राधा 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 राधा। ये नाम आज श्री कृष्ण भी जप रहे हैं, महादेव भी जप रहे हैं, ब्रह्मा जी भी जप रहे हैं, इंद्र, सूर्य, चंद्र, शनि, सभी देवी देवता हैं। ये नाम राधा राधा सभी बोले। परम पूज्य श्री रमा माता जी और बहुत ही मधुर भजन गाते हैं, परिचय देने की जरूरत नहीं है। श्री रमा देवी माता जी, और अपना नाम बताइए सबको। सखी नाम है आपका? इनका नाम है सखी। जय हो सखी। राधे राधे। बारिश हो रही है। अच्छा भैया सुनो, और गोपाल जी की तरफ से भी बधाई बाकी है। भाई नहीं दीदी, बधाई तो सबसे यार छोड़ो, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल प्रसाद थोड़ा छोड़ दूंगा मैं। माता जी हम चार लोग हैं, 25 रुपए एक क्या आएगा? ए इसको खोलो। बधाई बट रही है, बधाई रुको। राधाष्टमी। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय। ए बधाई ले लो, बधाई। अरे दीदी बधाई, बधाई छीन लियो बधाई। अरे नहीं रखो रखो नहीं, अभी अनुए कौन बांट रहे हैं। माता जी सिक्का की बधाई। आहा जय हो। राधे राधे। प्रसाद पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे। मैं जरा सबको, हमें मिल गई किशोरी जी की जन्म महोत्सव की बधाई। क्या आपको मिली? अगर नहीं मिली हो है तो आप गोविंद कृष्ण दास जी से, जो वेरी ओन जी के डी से ले सकते हैं। बरसाना धाम, बरसाना मतलब लाडली का घर है ये, तो लाडली के घर से आप सभी के लिए ये री उनके जन्म महोत्सव की बधाई हो। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, सर्वम राधा जीवनम यस्य राधा। श्री ठाकुर जी की प्राण आधार, प्राण वल्लभ, वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी, इस समस्त ब्रह्मांड की आधी शक्ति, हमारे ठाकुर जी के हृदय की धड़कन, श्री लाडली लाल, श्री राज राजेश्वरी, वृषभानु दुलारी, कीर्तिदा सुंदरी, बरसाने वारी, लाडो किशोरी जी का आज श्री जन्म प्रकट्य महामहोत्सव है राधाष्टमी। एक ऐसा उत्सव जिसके लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक भी तड़पता है कि कब मेरी किशोरी जी का प्रकट्य महामहोत्सव आएगा। गोस्वामी जी कह रहे थे, भगवान श्री कृष्ण आत्मराम आत्मकाम है, किसी भी चीज़ की उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक नाम वो भी जपते हैं। आपको कहा जाता है कि आप भगवान का नाम का जप किया करो, सुमिरन किया करो, सत्संग किया करो,
क्या भगवान भी किसी के नाम का उच्चारण करते हैं? क्या भगवान भी, मैं प्रशांत के लिए ना, आई टेक 5 मिनट्स, क्या भगवान भी किसी के नाम का उच्चारण करते हैं? क्या भगवान भी किसी के लिए किसी की पूजा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। भगवान श्रीमती राधा रानी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के राधा 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 राधे 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 व्रजदेव के चललिते चलन सुनो कुतो। तो ऐसी हमारी दिशा चल रही है, ऐसी हमारी लाडली जी का प्रकट्य महामहोत्सव है। अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ, कैसे हैं आप सब और कैसे मना रहे हैं आप राधाष्टमी? देखिएगा, बरसाना धाम में इस समय पैर रखने की जगह नहीं है, इतना आनंद बरस रहा है यहां पर कि शब्द है ही नहीं। बिल्कुल प्रसाद खा के जरूर जाऊंगा। माता जी रुको, माता जी से, माता जी सभी भक्त लोगों ने आपके भजन सुने वो कृतार्थ हो गए हैं। बरसाना धाम से, बरसाना धाम से आपको सबको बधाई हो, आपको सबको बरसाना का लाभ मिल गया। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर, मैं आ रहा हूँ माता जी, दिस इज रमा माता जी, बहुत प्यारे भजन गाए उन्होंने। तो आप मेरे साथ एक बार ये लाइन तो बोल ही दो, कौन सी? तप्त कंचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। राधा रानी कौन है? प्रणमामि हरि प्रिय, ये हरि की प्राण है। यदि आपसे कोई पूछे कि राधा रानी कौन है, आप बता सकते हैं प्रणमामि हरि प्रिय। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी, वृषभानु की लाडली है, पुत्री है। आज के दिन ही 1000 कमल के पुष्प के बीच में रावल गांव में वृषभानु जी ने अपनी लाडली को पाया था। तो तप्त कांचन गौरंगी, हमारी किशोरी जी दिखने में है कैसी, उनका रंग कैसा है? अगर आप सोने को पिघला दो, तप्त कांचन जब सोने को पिघला देते हो ना, सोने का रंग और निखर के आता है। तो ऐसी है हमारी लाडली जी। मेरे को बधाई देनी आई है मैया, जय हो राधे राधे, मेरे को बधाई मिल गई। हु इज दिस, हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी? राधे राधे टू यू, राधे श्याम। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट लॉट ऑफ मनी टुडे, दिस इज नॉट ओनली मनी, दिस इज बधाई ऑफ किशोरी जीज बर्थडे। अच्छा अभी ना और बधाई आ रही है, जय हो, धन्यवाद। आज लड़का हो गया है माला माल नहीं, आज लड़का भर गया है कृपा से। वाओ, किशोरी जी की बधाई आप सबको भी। गिन रहे हो ना, इसका इसकी वैल्यू कोई कोई नहीं कर सकता, दिस इज यू कांट इवन। ये हमेशा मेरे पास रहेंगे, हमेशा राधा रानी के प्रकट्य महोत्सव की बधाई हो। तो तप्त कंचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की क्या है ये? अधिष्ठात्री देवी है। वृंदावन में कुछ भी होता है ना, आजो आजो। ओ अब और बधाई आई है, माधी रस तो आपने बरसाया है, जय हो। आज तो रस भी बरस रहा है और कृपा भी बरस रही है, और अभी लग रहा है बारिश भी बरसने वाली है, ठीक है? ओके, सो आई वॉज टेलिंग यू, वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है हमारी राधा रानी। वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय, और हरि के क्या हैं? प्राण आधार हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बड़ी ध्यान से सुनना। कृष्ण सिर्फ गुणों पे रिझते हैं, कृष्ण पहले देखेंगे कि आप में कितने गुण हैं। क्या आप 4 नियमों का पालन करते हो? क्या आप, कृष्ण देखते हैं कि क्या ये मांस तो नहीं खाता है, क्या ये कोई नशा तो नहीं करता है, है ना? क्या ये जो भी खाता है भोग लगा के खाता है कि नहीं? कितनी माला करता है ये? 4, 8, 6, 16, या इसके पास माला करने के लिए, भजन करने के लिए समय नहीं है?
तो कृष्ण ये सब देखते हैं, तो कृष्ण सिर्फ गुण देखते हैं, लेकिन हमारी किशोरी जी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी हो कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। कृष्ण गुणों पे रीझते हैं, राधा रानी अवगुण पे भी रीझ जाती हैं। लाडली लाल इतनी कृपामयी है कि अगर आप में अवगुण भी होंगे ना, राधा रानी जानते हैं ये नहीं उठते, सुबह सोते रहते हैं हम 10-10, 11-11 वर्ष तक, कोई नहीं उठता ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती में, राधा रानी जानती हैं। किशोरी जी जानती हैं ये जो चाहे जब चाहे कुछ भी खा लेते हैं। किशोरी जी जानती हैं इनसे दो माला नहीं होती है, इनको दो माला करने में भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इनके पेट में दर्द हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, इनको लगता है कि बहुत मुश्किल है, किसी ने मेरे को बहुत बड़ा टास्क दे दिया है, माला हमसे होती नहीं है। तो किशोरी जी जानती हैं कि हम सब अवगुणों से भरे हुए हैं, लेकिन अवगुणों को भी जो नज़रअंदाज कर दे, ऐसी है हमारी किशोरी जी। तो कृष्ण क्या करते हैं, भगवत गीता को लेकर बैठे हैं, कृष्ण देख रहे हैं कि इसने नियमों का पालन किया है कि नहीं। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तभी मैं कृपा करूंगा। तो राधा रानी पीछे से आती हैं और राधा रानी कहती हैं, अरे श्याम सुंदर वैसी तेरे पास कोई ना आवे, वैसी तेरे पास कोई आता नहीं सत्संग में भजन में कीर्तन में, तो काहे की गीता की पोथी लेके बैठे हुए हमारे इस्कॉन वृंदावन में। किशोरी जी ना ऐसे ऐसे खड़ी हुई हैं, ऐसे ऐसे हैं उनका हाथ। इस हाथ का मतलब क्या है, वो ऐसी क्यों नहीं है, इस हाथ का मतलब है कि किशोरी जी श्याम सुंदर को कह रही हैं कि अपना लो इसको, अपना लो इसको, वैसे भी कोई नहीं आता है आपके पास, किसी के पास समय नहीं आने के लिए, मैं कह रही हूँ ना श्याम सुंदर अपना लो इसको। तो जब अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक सच्चिद आनंद घन स्वरूप श्री कृष्ण परमात्मा कृष्णम वंदे जगतगुरु जब देखते हैं कि किशोरी जी ने रेकमेंड कर दिया, लाडली लाल ने अपने मुख से कह दिया कि इसको अपना लो, फिर वो भगवत गीता की पोथी करते हैं बंद, सारे नियमों के ऊपर कांटा मार देते हैं और कहते हैं मेरी लाडली ने, मेरी राधा ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, आओ और मुझसे गले लग जाओ। अर्थात हमारा सिचुएशन बहुत होपलेस है गाइस, बहुत होपलेस है, भक्ति हमसे ठीक से होती नहीं है, अगर भक्ति करते भी हैं तो अपराधों से भरकर अपराध बहुत करते हैं हम। तो ऐसे होपलेस सिचुएशन में सिर्फ एक होप है, द वर्ड होपलेस ऑल्सो हैज होप इन इट, होपलेस, इसमें भी थोड़ा सा होप है। तो हमारे होपलेस सिचुएशन में जो थोड़ा सा भी होप है वो क्या है, मुनिन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकज निकुंज भू विलासिनी व्रजेन्द्र भानु नंदनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसी यमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। द ओनली होप वी हैव इज कि किशोरी जी अपनी कृपा कटाक्ष से हमें, तिरछी नजर बोलते हैं कृपा कटाक्ष को, अपनी तिरछी नजर से लाडली हमें देख लें बस, फिर सुनो बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, बनवारी तो अपने आप दौड़ता हुआ हमारी ओर आएगा। ये शब्द देवों के देव महादेव के हैं। अगर महादेव, आप सब हर हर महादेव कमेंट करें, और आप सब हम सब भगवान शिव जी के भक्त हैं, सोचो ना जिसके हाथ में काल है, वो नीलकंठेश्वर, वो भूतेश्वर, वो अमरनाथ, वो केदारनाथ, वो महादेव भी क्या कह रहे हैं, किशोरी की एक तिरछी नज़र मेरी ओर पड़ जाए, बस यही हमारा होप है। इसलिए भक्तों मैं इतने दिन से दौड़ रहा हूँ, इतने दिन से भाग रहा हूँ, इतने दिन से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक हृदय में एक
आनंद की उमंग आपको जग जाए और किशोरी जी के लिए आप पागल हो जाएं, इसलिए मैं इधर उधर जा रहा हूँ दर्शन करवाने के लिए। आपको रावल भी लेके गया जहाँ पर हमारी लाडली लाल आज के दिन ही प्रकट हुई थी, क्योंकि हमारी सिचुएशन बहुत होपलेस है। किशोरी यदि हमें देख लें तो हम तर जाएंगे, ठाकुर जी की नज़रों में आ जाएंगे, ठाकुर जी के प्रेमी बन जाएंगे। राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल महिते। ये गोकुल की क्या है, मालकिन है। गोकुल तरुणी का मतलब होता है कि वृंदावन की जो रज है, जो कण है, उस हर रज में क्या कर रही है, लक्ष्मी जी झाड़ू मार रही है। कि झाड़ू मारने का मतलब उस रज को उठाने का प्रयास कर रही है और अपने माथे पे लगा रही है कि इन रज में किशोरी जी चली हैं, ठीक है। राधे जय जय माधव दैते, राधा रानी कौन है? राधा रानी वो है जो हमेशा माधव की प्रसन्नता के लिए लीलाएं करे, माधव की प्रसन्नता के लिए ही वो सजती हैं, माधव की प्रसन्नता के लिए ही वो। अच्छा, ठाकुर जी के लिए कुकिंग कौन करते थे? हमारी यशोदा मैया ने। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे बोल दो सबको। राधे श्याम बोला है, श्याम भी दे दिया आपको, ठीक है जी। राधे के बिना श्याम अधूरा है। फिर से बोल दो, राधे श्याम, हैप्पी राधाष्टमी टू एवरीवन। नहीं, राधा के बिना श्याम अधूरा है ना? हाँ जी, बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल कोई काम को ना है, कुछ नहीं, जीरो जीरो। सो स्वीट, राधा के बिना श्याम अधूरा, बिल्कुल जीरो, ठीक है जी, ठीक है माता जी। हाँ जी, जय हो, ठीक है, माता जी भी बोल रही है बिल्कुल ठीक है। तो मैं बता रहा था, लक्ष्मी जी और सभी देवी देवताएं वृंदावन में आते हैं और ताकि उनको किशोरी जी के चरणों की रज मिल जाए, वो ऐसे तड़पते रहते हैं। राधे जय जय माधव जयते गोकुल तरुणी मंडल महिते, ये पूरा मंडल जो है किशोरी जी के हाथ में है। करुणाम कुरु मही करुणावरिते सनक सनातन वर्णित चरिते, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रह्मा जी के पहले पुत्र सनक सनातन, सनक सनंदन, चार कुमार जो 5 साल की उम्र से कभी बढ़ते नहीं है, ब्रह्मचारी रहते हैं। आप समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने हमें भागवत दिए 108, हमें 18 पुराण, 108 उपनिषद दिए। क्या लाई है मैया? मैया कुछ ना कुछ तो लेके आती जा रही है। अरे कोई नहीं, दिखा दो ना, ढोकला दे दो, बहुत भूख लग रही है। हाँ देखो ना, 600 भक्त देख रहे हैं आपको और सभी प्रसाद खाएंगे साथ में। ये क्या है, केक है? ओह, किशोरी जी का केक आया, चलो भैया संग संग में केक भी खा लेते हैं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो अभी रमा माता जी ने संस्कृत में राधा रानी को बर्थडे विश किया है, संस्कृत में जन्म महोत्सव की बधाई, और जो हम गाते हैं ना हैप्पी बर्थडे टू यू, वो संस्कृत में गा के दिखाया है, इंस्टाग्राम पे है वो, जाके देखो राधा रानी का केक प्रसाद। बहुत टेस्टी है यार, बहुत टेस्टी। सखी इधर आओ, सखी इधर आओ, आना एक मिनट, तंगी ले रहा हूँ। सखी राधे राधे बोल दो बस, राधे राधे। प्रसाद खा लिया आपने? हाँ, प्रसाद पहले केक भी केक नहीं खाया सखियों, केक दो ना, केक दो। सखी ने केक नहीं खाया, लेकिन सखा ने केक ही खाया और प्रसाद नहीं खाया। ओके, तो मैं कह रहा था सनक सनातन वर्णित चरिते, जिन्होंने हमें पक्का ना मेरे को आप कह लिया है, तो जिन्होंने हमें 18 पुराण 108 उपनिषद दी हैं, ऐसे वेद व्यास जी के गुरु हैं नारद मुनि। लेकिन नारद मुनि के गुरु कौन है आपको पता है? नारद मुनि जी के भी जो गुरु हैं, जहाँ से भक्ति प्रारंभ होती है, नारद मुनि ही हमें भक्ति देते हैं, उनके गुरु हैं सनक सनातन, सनक सनंदन, ये चार कुमार। वो चार कुमार कह रहे हैं करुणाम गुरु मही करुणा वरिते सनक सनातन वर्णित चरिते, ऐसे चार कुमार वर्णन कर रहे हैं कि राधा रानी से कृपालु कोई नहीं है, कोई नहीं है और ना कोई होगा। राधे जय जय माधव दैते, वृषभानु दाती नव शशि लेके ललित सखी गुण रमित विशाखे, राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल महिते।
राधा रानी का केक प्रसाद खाते रहो, राधे राधे बोलते रहो और आनंद में डोलते रहो भैया, ठीक है। पकोड़े दो कचौड़ी छह, बोलो राधा रानी की जय। ऐसी जय आपने कभी सुनी है? ये वृंदावन में होती है कि पकोड़े दो कचौड़ी छह राधा रानी की जय। और कुछ सुनना है सुनाओ, बहुत कुछ है मेरे पास सुनाने के लिए। छोटी सी किशोरी, आज ये वृषभानु जी और कीर्तिदा सुंदरी गा रहे हैं। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, पाव की पे जनिया चम चम बोले रे, मैंने तो से पूछो लाली क्या तेरो नाम रे, मैंने तो से पूछो लाली क्या तेरो नाम रे, मुस्कुरा के बोली अभी मुस्कुराओ, अरे मुस्कुरा के बोली ओ राधा रानी मेरो नाम रे, छोटी सी किशोरी। राधे राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक ही तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, ओ राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। मैं रास्ते में बैठा हूँ, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। यदि धूल ही मिल जाए, राधे आज मैं बोलता जा रहा हूँ राधे, एक मिनट को यहाँ पर आप लोगों को और कुछ सुनना है क्या? भजन कथाएं सुनना है तो मैं सुनाऊंगा, नहीं तो मैं भगरी हूँ, बोलो प्रशांत मैं खा लूंगा। हो नजरों से गिराना ना, हे लाडली अपनी नजरों से मत गिराना हमें, नजरों से हमें मत निगा मत गिराना बस। हो नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, वो नजरों से जो गिर जाए, अगर हम लाडली लाल की नजरों से गिर गए ना, मुश्किल है संभल पाए, वो राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल ही मिल जाए, सच कहती हूँ तेरी, ओ सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, ब्रिज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा, सभी साथ में श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा,
सखी मैं सभी को भजन सुना रहा हूँ, सबको भजन सुना रहा हूँ। इधर आओ, मैं बताता हूँ, आओ मैं दिखाता हूँ, इधर बैठो मेरे पास बैठो, इधर आओ। ये है हमारी सखी, और सखी ने अभी कीर्तन गाया था, और मैंने अभी आपको फेसबुक पे लाइव दिखाया था, बहुत सुंदर गाती है हमारी प्यारी सी सखी। कितने साल की हो आप? सात। ओनली फुल सात? फुल सात, अच्छा हाफ नहीं, फुल सात। कितनी प्यारी है ये हमारी सखी। सखी सुनो, अभी ना आपको ना 564 लोग देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से देख रहे होंगे, लेकिन देख रहे हैं। तो इसको कहते हैं लाइव। मैं कैसे समझाऊँ इसको, लाइव क्या होता है, कैसे समझाऊँ? मुझे बता लाइव। पता है क्या हो रहा है ये अभी? लाइव चल रहा है। पता है सखी को, पता है। तो सखी, सखी एक लाइन गा दो सभी के लिए, कुछ भी गा दो, एक लाइन। ओए बिल्कुल भी परेशान नहीं करना हमारी सखी को, ठीक है ना? हाँ, लेकिन एक लाइन गा के कोशिश करते हैं, एक लाइन गा दे दो। एक बार। सखी चली गई, सखी चली गई, गई 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 गई। देखो ऐसी, मैं सोच रहा हूँ ऐसी शाम सुंदर लाडली को छेड़ते होंगे नहीं, पर बग गई, कहाँ चली गई सखी? सखी इज नॉट हियर एनी मोर। तेरी सखी मंगल गाओरी, मोह काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, हेरी कोई काजल लाओरी, मोह काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जीवारो नजरे उतारो, आज मेरे आज हमारे लाडली आए। अब मैं जाऊं? ए कोई ना डरे मुझसे, डर गई तुमसे सखी, हम मित्र हैं ठीक है ना, डर गई अभी भी यही घूम रही हो है, बोल रही ना चांटे मारो ना चांटे बरसेंगे। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, ऐसी कृपा करो श्री राधे द्विजो वृंदावन को वास, ऐसी कृपा करो किशोरी की वृंदावन में वास मिल जाए, श्री वृंदावन को वास लाडली बरसाने को वास। खाऊंगा है ना, खत्म तो नहीं हुआ है। वो ऐसी कृपा करो श्री राधे द्विजो वृंदावन को, किसी ने मेरी आवाज को प्यारी बोल दिया। ये भूख लगे तो मांगन जाऊं, ब्रजवासिन के टुकड़े खाऊं, प्यास लगे यमुना जल पीऊं, नित उठ करूं, वो ऐसी कृपा करो श्री राधे। मैं कहाँ बैठूँ, मैं सीढ़ियों में बैठा हूँ कहीं। ऐसा ही हूँ मैं, कभी भी कुछ भी कहीं भी, अरे दीजो वृंदावन को वास, राधे मेरी स्वामिनी मैं
हम राधे को दास, राधे मेरी स्वामिनी, हम राधे को दास, जन्म जन्म हम दीजियो श्री वृंदावन को वास। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हाँ जी सखी आ गई है। कहाँ रहते हो आप? आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया रहती हो? कहाँ पर? अमेरिका में? हाँ। सखी स्टेज इन अमेरिका। अमेरिका में रहती हो आप? सच्ची बताओ। झूठ बोल रही हो है? झूठ बोल रही है? नहीं। पक्का? नहीं। सखी कभी भी झूठ नहीं बोलती है। मेरे को कैसे पता लगेगा तुम अमेरिका रहती हो? अच्छा अमेरिका में कौन सी सिटी में रहती हो? सखी ने तो बता दियो डैलस में रहती हो। वाकई ये सखी तो डैलस में रहती है। ओ ओ सखी डैलस में रहती है। सखा तो सड़क पे रहता है। सखा तो सीढ़ियों पे रहता है। और अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन मैं क्यों नहीं सो सकती? जब नींद आ रही है सो जाओ। अच्छा हाँ। ओ सखी मीन्स टू से उनको जेट लैग हो रहा है। मेरे को रात को नींद नहीं आती क्योंकि वहाँ पर सुबह होता है। मतलब प्रूव हो गया कि सखी अमेरिका से। ले ली सखी, ले ली मैंने बधाई। ओके मेरे लिए प्रसाद बचा देना बस। ओके चलो मैं जा रहा हूँ यार, मेरे को भूख लग रही है। मैं और सखी जाएंगे प्रसाद खाएंगे। राधे श्याम, सभी को मिले श्री बरसाना धाम, वृंदावन धाम, ब्रज धाम। और पता नहीं टाइम टाइम क्या हो रहा, कोई टाइम बताएगा? क्योंकि ये चलती नहीं है, ऐसी ड्रामा है। टाइम कमेंट कर दोगे जरा, मैं टाइम देख लूँ। क्योंकि 5 PM श्री जी अपने गर्भगृह से बाहर आएंगी और श्री मंदिर में अपने महल में सबको दर्शन देंगी। प्रयास करूँगा कि वहाँ पर आपको दर्शन दे पाऊँ, क्योंकि वहाँ पर सांस लेने की जगह ना हो रही है। बहुत भक्त आ रहे हैं भैया, बहुत। और उसके बाद रात के अब ये समझ लो 9:30 एक ऐसा लाइव सेशन लेके आऊँगा ना, आप पागल हो जाओगे, दीवाने हो जाओगे, मस्ताने हो जाओगे। अरे वाह ये तो भजन है। राधा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। ओ राधा की दीवानी बन जाऊंगी। चलो सखी प्रसाद खाएंगे। मेरे को तो खाने दे, मैं भी तो खाऊंगा। राधे राधे। आपका दास गोविंद कृष्ण दास, हैशटैग जीके डी है, पता है ना।